अपन ने किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पिडल इक्वेशन, इन सब के लिए। अब हम इनकी मदद से, रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से, पिछले लेक्चर में अपन ने किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसके कोऑर्डिनेट्स और सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर अपने दो चीज़ें रह गई थी, वो करेंगे अपने को कोण ऑफ कर्वेचर। कोण ऑफ कर्वेचर कैसे करेंगे कि जैसे अपने पास ये कोई कर्व है y = fx, इसके बिंदु P पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x एक्सिस कहते हैं, इसके साथ कोण साइन हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट P के ऊपर जो लाइन नॉर्मल है, दूसरा बिंदु आया, दोनों को इंटरसेक्ट किया, जैसे अपने डेफिनेशन दी थी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो C सेंटर हो गया, सी पी है ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सी पी को रेडियस लेकर के अपने एक सर्कल खींचते हैं, तो सी पी रेडियस को लेकर के ये डला, ये हमारे पास हो गया सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब सर्कल ऑफ कर्वेचर है, इसके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो जीवा कहलाएगी। तो अब हमारे को यहाँ से दो का मान निकालना है कि कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। डायग्राम थोड़ा ठीक बनेगा तो आपको ये लाइन इसके पैरेलल दिखेगी और ये लाइन इसके पैरेलल दिखेगी। तो ये दोनों का मान निकालना है आपको, कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनका मान निकालने के लिए अपने पास, वैसे तो सीधे सीधे अपन नहीं निकाल सकते, लेकिन अब ये इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि सी था, सी को आगे तक बढ़ा दिया तो पूरा अपने पास डायमीटर हो गया। अब सी पी का मान रो था तो पी आर का मान हो जाएगा 2। अब चूंकि ये P के ऊपर टेंजेंट थी जो x एक्सिस के साथ इनिशियल लाइन के साथ कोण साइन बनाती है, अब ये पॉइंट P के ऊपर नॉर्मल है तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का हो गया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया। तो ये 90 है, ये 90 प्लस, ये 90 का है, ये साइन का है, इसका मान हो जाएगा 90 माइनस है। अब अपन क्या करते हैं कि इस बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इसका कोई भी नाम दे दीजिए, सपोज टी, पी आर टी और यहाँ इसका नाम कर देते हैं मान लीजिए एम, ये बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये 90 का है, ये 90 माइनस साई है, तो अपने पास ये कोण है, ये साई का है। अब चूंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो अपना सारा काम इससे बन जाएगा कि ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज में एक भुजा ज्ञात होगी जिसका मान मेरे पास 2 रो है, एक कोण पता होगा जिसका मान साई है। तो अब हम जिस भुजा का मान पता करना है उसका मान निकाल सकते हैं, जो पी एस है, पी एस कहलाएगी अपने पास कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के समानांतर वक्रता जीवा, क्योंकि वक्रता वृत्त है इसलिए जीवा का नाम होगा वक्रता जीवा, पी एस का मान निकालो। अब अपने त्रिभुज लेते हैं इन ट्राइंगल पी एस आर, ये त्रिभुज लेंगे, इस त्रिभुज में पी एस बटा अपॉन जो भुजा ज्ञात है हमारे पास दैट इज आर पी। अब चूंकि ये कोण 90 डिग्री का है तो आर पी इज हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गया, ये एंगल है तो आर एस है, ये मेरे पास आधार हो गया, तो पी एस हो गया मेरे पास लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण है साइन, साइन साइन, तो पी एस इक्वल टू आर पी साइन साइन, या हम कह सकते हैं टू रो साइन साइन। किसी भी दिए गए कर्व के लिए यदि एक्स एक्स के समानांतर वक्रता जीवा का समीकरण निकालना हो तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के साइन साई का मान निकालेंगे और साइन साई का मान निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगी मेरे पास कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी प्रकार वाई एक्सिस के समानांतर लेना है तो अपने पास ये दोनों के दोनों बराबर है तो इस ट्राइंगल से इसका मान निकालो, चाहे मुझे यहाँ से निकालना है तो ये कौन साई है, ये कौन भी साई हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 हो जाएगा, उस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास आर एस अपॉन जो नॉन साइड है वो मेरे पास आर पी, आर एस हो गया मेरे पास आधार, आधार बटे कर्ण हो गया कॉस, कॉस साइड, तो आर एस इज इक्वल टू आर पी कॉस साइड एंड आर पी कॉस साइड मींस 2 रो कॉस साइड। तो ये होगी कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों मान निकल के अपने पास कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी अपन ने कोण ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला
डिराइव किया था कि एक्स एक्स के समानांतर और वाई एक्स के समानांतर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर ज्ञात करनी है तो वो किस प्रकार से करेंगे। अभी अपन एक प्रॉब्लम से इसको और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि कर्व की समीकरण है वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई। सामान्यतः बहुत कम सवाल हैं जो हाइपरबोलिक में अपने पास आते हैं क्योंकि हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन वगैरह अपन रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक सवाल है। इसमें ज़्यादा डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हाइपरबोलिक में साइन का कॉस और कॉस का साइन दोनों के साथ माइनस नहीं आता, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। अभी सवाल में ये दिया हुआ है कि कर्व y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी के लिए यदि सी एक्स और सी वाई कोण ऑफ कर्वेचर हैं किसके पैरेलल, यानी x सी एक्स मीन्स कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू x एक्सिस एंड सी वाई मीन्स कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस, जो अपन सिद्ध करना है उसके हिसाब से देखेंगे तो काम थोड़ा सा अपने को ठीक दिखेगा। पहले अपना रो का मान निकाल लें, रो अपने को ये करना था 4c square c x का square plus c y का square equal to c y to the power 4, ये अपने उसे करना है। जहाँ c x chord of curvature parallel to x axis and c y chord of curvature parallel to y axis। वैसे तो ये सवाल को हम इसके बिना भी करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, फॉर्मूले से हम जानते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना है, दोनों का वर्क करो, वर्क करने में उसका बराबर आना चाहिए। लेकिन जब ये सी वाई फोर लाना है उसमें हमें कहीं ना कहीं रो की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले हम इसका रो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, एक्स बाई सी का हो गया 1/c, तो ये अपने पास आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। एक बार हम डिफरेंशिएशन करें d2y/dx2 sin hyperbolic x by c का differentiation cos hyperbolic x by c का 1/c, ये होगा 1/c cos hyperbolic x by c। फार्मूला है हमारे पास सब रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx इज c cos dy/dx इज sin hyperbolic x by c, तो 1 प्लस sin hyperbolic स्क्वायर x by c होल पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2, ये होगा 1 अपॉन c cos hyperbolic x by c। अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला है हाइपरबोलिक के साथ ध्यान दे लेना, अपने पास ये फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें फार्मूला ये रहता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, और ऊपर पावर है 3/2, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स बाई सी, ये सी ऊपर चला गया, ये रहेगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, यहाँ पावर 3 है ये 1 है, कम होकर के मेरे पास आ जाएगा सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। अब हम चाहें तो इसका मान रख करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए सी वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई सी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये भी निकाल सकते हैं और अपने काम में ये इक्वेशन आएगी, क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे को यहाँ इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब अपने को जो सिद्ध करना था उस पर चलें, अपने को सिद्ध करना है सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर को 4c स्क्वायर से गुणा करने पर वो सी वाई 4 के बराबर आता है। तो अब हम जानते हैं कि कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 2 रो साइन साइड एंड कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज सी वाई इक्वल टू 2 रो कोसाइन, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 रो स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन प्लस कॉस स्क्वायर साइन, इसकी वैल्यू होगी 1। अपने पास आ गया सी स्क्वायर सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रो स्क्वायर। अब अपने को प्रूव करना है इसमें 4c स्क्वायर से मल्टीप्लाई है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको पकड़ते हैं 4c स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16c स्क्वायर रो स्क्वायर। अब अपने को सिद्ध करना है कि 16c स्क्वायर रो स्क्वायर है उसका मान अपने पास सी वाई 4 के रूप में आना चाहिए, तो वो देखने के लिए अपन इस प्रकार से करते हैं कि कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस 2 रो कोसाइन, अब 2 रो कोसाइन को अपन लिख सकते हैं 2 रो सेकसाइन। अब जो फार्मूला दिया उसकी मदद से ये अपन इसका मान निकालें, जैसे अपने पास ये है कि 1 प्लस
dy by dx का whole square का under root इस section है। dy by dx का मान हमने तुमने निकाला था that was sine hyperbolic x by c, तो ये हो जाएगा 1 plus sine hyperbolic x square by c is equal to sec psi, और ये हो गया मेरे पास cos hyperbolic x by c is equal to sec psi, यानी जो sec psi हमारे पास यहाँ पर आया इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूँ 2 cos hyperbolic x by c, तो ये हो गया मेरे पास 2 rho cos hyperbolic x by c। अब इस समीकरण की मदद से अपन देखें तो अपने पास cos hyperbolic square का मान चाहिए, तो ये है मेरे पास cy, cy is equal to 2 rho this one, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा cy square is equal to 4 rho square upon cos hyperbolic square x by c। अब यहां से मान देखें cos hyperbolic square x by c is nothing but rho by c, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने पास आएगा this is equal to 4 rho square, इसकी वैल्यू हो जाएगी rho by c, ये rho की तरह है c, ये आ गया मेरे पास 4 c rho। अब 4 c rho इसका मान है cy square का, अब c by square इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो अपने पास आ जाएगा c by 4 is equal to 16 c square rho square, और अभी अपन ने जो बीच में किया था वो इक्वेशन यहाँ से हमने हटा दी, उसमें अपने पास ये आया था 4 c square c x square plus c y square is equal to 16 c square rho square, और इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखता हूँ c by 4। तो ये अपने को जो प्रूव करना था कि c कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू x एक्सिस, कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस, उन दोनों का अगर स्क्वायर करके जोड़ के 4 c स्क्वायर से गुणा करेंगे तो वो कोण ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस के 4 टाइम्स के बराबर आएगी। तो केवल इसका मान एडजस्ट करना ही हमको देखना है, इसमें sec psi का मान निकालना इस सवाल में थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंट काम था, बाकी तो नॉर्मल जैसे सवाल होता है वैसे इसको अपन कर सकते हैं।